हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, अभी मैं आपको यहाँ शो करके दिखा देता हूँ। देखिए, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस देन इट्स बाउंस बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट व्हेन लाइट एंटर इन वन मीडियम टू अनदर, मतलब मान लीजिए एयर है और ये वाटर है, दोनों का मीडियम अलग है, एयर अलग है, वाटर अलग है, तो रिफ्रैक्शन क्या केस होता है? रिफ्रैक्शन का केस होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। देखिए, ये लाइट रे है, दैट यू कैन सी वेरी वेल। वेल, लाइट रेज एंटर इन अनदर मीडियम देन इट डिस्टर्ब विद इट्स डायरेक्शन, इट मीन्स इट्स चेंज द डायरेक्शन। हमने पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पर चलती है, बट इन दिस केस लाइट स्ट्रेट पर तो चलेगी, लेकिन जैसे ही मीडियम में एंटर करेगा तो प्रीवियस स्टेज से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स इन वन मीडियम फ्रॉम अनदर देन इट डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स रियल स्टेज, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, अपने जो उसका पथ था, जो उसका रास्ता था, उससे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर रिफ्लेक्शन में पता किया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, ये सब वगैरह, तो हम इस चैप्टर में भी उसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, मान लीजिए ये एक मीडियम है जिसको हम वाटर कहते हैं, ये मीडियम टू है और यहाँ है एयर जो कि मीडियम वन है। ठीक है, लाइट एंटर कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में और ये अब की बार जिस रास्ते से आ रही थी उससे नहीं बल्कि थोड़ी सी डिस्टर्ब होके जाएगी, मतलब अपना पथ जो इसका रियल पथ था ये था, है ना, इससे थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसी प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो इसमें कौन सी चीज़ कहाँ होती है वो आपको इसके बारे में हम अब बता देते हैं। देखिए, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है और फिर बता रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी, रे ऑफ लाइट आ रही होगी, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब वो सरफेस पे गिरेगी तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, एंड द वर्टिकली लाइन ड्रॉ ऑन द राइट एंगल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो सरफेस के अकॉर्डिंग हम 90 डिग्री पर राइट एंगल पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो लाइन होगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज जो ये एंगल टू है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हमें पता चल गया है आने वाली रे इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्ट होने वाली रे इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम समझना चाहिए कि होता किस वजह से है, मतलब व्हाट इज़ द केस, केस क्या है। देखिए,
कॉस क्या है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का कॉस ये है कि स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अनदर मीडियम लाइक वाटर. ठीक है, वाटर और एयर में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, इस वजह से रिफ्रैक्शन का कॉस है. मतलब इस वजह से रिफ्रैक्शन रीजन हो जाता है जब लाइट स्ट्राइक होती है एक दूसरे मीडियम में जाने पर, इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज टोटली डिफरेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. अगर हम सोचें कि एयर में और वाटर में कितना ज़्यादा फ़र्क है तो हमें पता चलेगा कि क्या केस है. ठीक है, अभी हम समझने जा रहे हैं कि ये होता कैसे है. ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि अपना पथ चेंज कर लेता है, तो हम इसको डीपली यहाँ शो करने वाले हैं. देखिए, मान लीजिए एक वाटर का मीडियम है, ये दिस इज़ मीडियम वाटर. ठीक है, देखिए हम लाइट रे को नहीं बल्कि एक बीम ऑफ लाइट लेंगे. अब मान लीजिए एक बीम है जो लाइट की इस पर पड़ रही है. ठीक है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है और फिर पास होके जा रही है. ये है बीम ऑफ लाइट. ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक्चुअली देख सकते हो, इट इज़ वेरी इजी टू शो यू कि ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे लाइट के, वो इन पार्टिकल्स से पहले इस मीडियम में एंटर कर रहे हैं. आप देख सकते हैं ये बीम है, लाइट रेज हैं इसके अंदर. इस बीम के अंदर जो ये वाले पार्टिकल हैं ये मीडियम में पहले एंट्री कर रहे हैं और इस ये वाले मीडियम बाद में कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पहले झुकेंगे, ये पहले रिफ्रैक्ट होंगे और ये बाद में होंगे. सिमिलरली जो पहले झुका है वो पार्टिकल पहले निकलेगा और जो पार्टिकल ने बाद में एंट्री की है वो बाद में निकलेंगे. तो इस वजह से जो लाइट है वो अपना पथ चेंज कर लेती है, इस वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है. समझे मैं आप, जो ये पार्टिकल्स हैं ये पहले एंट्री करते हैं मीडियम में, ये बाद में करते हैं, ये पहले झुकते हैं ये बाद में झुकते हैं, फिर जो पहले झुकता है वो पहले निकल जाता है और जो बाद में झुकते हैं वो बाद में निकलते हैं. इस वजह से लाइट रे अपना पथ चेंज करती है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेयर एंड डेंसर मीडियम्स की. ठीक है.